हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अब तक हमने उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम करने वाले हैं वहाँ पर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में आपको अब तक जितनी वीडियोज़ मैं डाली हैं बिजनेस स्टडी क्लास 11 की, उन सब का लिंक मिल जाएगा, प्लस आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर मैसेज करके आप अपने ग्रुप में ऐड हो सकते हैं क्लास 11 के, डाउट्स पूछ सकते हैं, वीडियोस की लिंक आती है वहाँ प्रॉपर। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ अपन प्यारी प्यारी रील्स डाला करेंगे। और टेलीग्राम पर चैनल का जो लिंक है नीचे, उसे आप जाकर वहाँ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस। अ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। जो हमारा कोऑपरेटिव फॉर्म होता है बिजनेस का, वो बिजनेस एंटरप्राइज से थोड़ा सा अलग होता है। इस फॉर्म में क्या होता है, हमारा जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बट जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि दूसरे इंसान की हम सब मिलकर मदद करें। इट वर्क विद द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। यहाँ पे प्रिंसिपल है कि सबके लिए हम और हमारे लिए सब। द कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपस में अपनी अपनी सहमति से आए हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। अ मिनिमम ऑफ 10% आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। कम से कम 10 लोग चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए। द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी एंड द कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर ओनली इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। इस सोसाइटी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है और यहाँ पे जो कैपिटल लगाई जाएगी वो मेंबर्स द्वारा ही कंट्रीब्यूट करी जाएगी शेयर कैपिटल की फॉर्म में। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन रेज लोन आल्सो फ्रॉम द बैंक। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं। तो फीचर्स क्या है इसका, सबसे पहला है वॉलेंट्री एसोसिएशन। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एनी पर्सन कैन ज्वाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ ही शी हैज कॉमन इंटरेस्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, यानी कि अगर मैं किसी एक मुद्दे पर लोगों की मदद कर रहा हूँ और आप भी ऐसा ही मदद करना चाहते हो, तो आप हम मिलके एक अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एनी फार्मर कैन ज्वाइन द एग्रीकल्चर सोसाइटी और एनी कंज्यूमर कैन ज्वाइन द कंज्यूमर सोसाइटी। द मेंबर्स कैन लीव द सोसाइटी व्हेनेवर दे डिजायर सो बाय गिविंग अ नोटिस। कोई भी फार्मर एग्रीकल्चर सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है, कोई भी कंज्यूमर कंज्यूमर सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है। वो जब निकलना चाहे, जब लीव करना चाहे, तब लीव कर सकता है नोटिस देकर। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और एग्जिट ऑफ द मेंबर्स। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे कोई आए या कोई नहीं आए। दे कैन ज्वाइन और लीव द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ओन विल एंड विश। अपने हिसाब से वो जब निकलना चाहे तब निकल सकते हैं। द मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल द मेंबर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। मेंबरशिप सभी के लिए ओपन है, कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, सबके हिसाब से। लीगल स्टेटस, भाई मैंने अभी आपको बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, तो इट इज कंपलसरी फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है, विच मींस द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंसीडर सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। इसलिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको अपने आप के मेंबर को अलग अलग रखना पड़ेगा। इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम एंड कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ज्वाइन हो सकती है। कौन? कोऑपरेटिव सोसाइटी। द डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। किसी भी मेंबर की डेथ होने पर, इंसॉल्वेंट होने पर, इनकैपेसिटी होने पर हमारी सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल। जो भी मेंबर ने पैसा लगाया है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उतने तक ही उनकी लायबिलिटी सीमित रहती है। कंट्रोल, इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। द कमेटी इज इलेक्टेड थ्रू वोटिंग बाय मेंबर। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो डिसीजन होता है, पावर टू टेक डिसीजन होता है, वो इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी की होती है और जो कमेटी होती है वो मेंबर्स के द्वारा डिसाइड की जाती है वोटिंग से। सर्विस मोटिव,
मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। जो मेन मोटिव है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो ये है कि हमारे मेंबर्स को सर्विस दी जाए, ना कि प्रॉफिट कमाना। अर्निंग प्रॉफिट तो बात की बात है, लेकिन मेन मोटिव क्या है हमारा, सर्विस देना, हेल्प करना। इक्वल वोटिंग राइट, द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, ऑल द मेंबर गेट ओनली वन वोटिंग राइट इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय देम। हर किसी को एक अपना वोट मिलता है और उसको एक ही वोट मिलता है, यानी कि वो अपनी बात एक ही बार रख सकता है, वो फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना पैसा लगाया है। द रिच मेंबर्स बाय टेकिंग मोर शेयर कैन नॉट डिक्टेट देयर टर्म। अगर आपके पास ज़्यादा शेयर है इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा डिसीजन ले सकते हो। अ पर्सन हु हैज 1000 शेयर एंड अ पर्सन हु हैज 10 शेयर विल गेट वन वोटिंग राइट ओनली। चाहे आपके पास 1000 शेयर हो या 10 शेयर हो, सबको एक वोटिंग राइट मिलता है। अब इसके फायदे क्या है, मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क विद द डेमोक्रेटिक सिस्टम, दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम पर काम करती है, जहाँ पर प्रिंसिपल लागू होता है एक आदमी का एक वोट। सभी मेंबर्स को इक्वल राइट होता है और बराबर हिस्सा मिलता है पार्टिसिपेट करने का मैनेजमेंट के किस में, डिसीजंस में। लिमिटेड लायबिलिटी मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, सीमित होती है कहाँ तक, जहाँ तक वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, है ना। और एट द टाइम ऑफ लॉस द क्रेडिटर्स कैन नॉट हैव क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर। जब उनको लॉस होता है तो जो क्रेडिटर्स होते हैं वो वहाँ तक क्लेम नहीं कर सकते, कहाँ तक, अपनी प्रॉपर्टीज तक। स्टेबल एग्जिस्टेंस, द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है उनका अपना एक लीगल एग्जिस्टेंस होता है। द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। किसी की डेथ होने पर, इंसॉल्वेंट होने पर, इनकैपेसिटी होने पर सोसाइटी पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ स्टेबल एंड कंटिन्यूस लाइफ एंड एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है और इसकी जो लाइफ होती है वो कंटिन्यूस होती है और लंबे समय तक चलती है। इकोनॉमिकल फंक्शनिंग, द ऑपरेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज क्वाइट इकोनॉमिकल। जो इनके कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस होते हैं वो काफ़ी सस्ते हैं, यानी कि ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। ज़्यादातर जो एक्टिविटी होती है वो मेंबर्स द्वारा परफॉर्म की जाती है उनके हिसाब से। जब वो गुड्स को परचेज करते हैं रॉ मटेरियल से, तो मिडिल मैन को हटा दिया जाता है ताकि वो उसकी कीमत बढ़े नहीं, ताकि उनको जो रॉ मटेरियल मिले वो कम से कम कीमत पर मिले। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट मेंटेन लार्ज स्टॉक, और वो ज़्यादा स्टॉक रखते नहीं अपने पास। क्यों? क्योंकि वो कैश ट्रेड करते हैं, बैड डेब्ट्स ना हो। देयर इज सेविंग इन एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो। ना ही अपना प्रचार करते हैं, ना ही उनको कोई सेलिंग एक्सपेंसेस होता है। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट वेरियस बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट प्रोवाइड वेरियस कंसेशन, रिबेट एंड टैक्सेस। गवर्नमेंट की तरफ से कोऑपरेटिव सोसाइटी को काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, कंसेशन मिलता है, रिबेट मिलता है टैक्स में। दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट रॉ मटेरियल सब्सिडी रेट। उनको जो रॉ मटेरियल मिलता है वो सब्सिडी रेट पर मिलता है, गवर्नमेंट उनको लोन देती है काफ़ी कम ब्याज में। ये सारी इनको बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट से। ईजी टू फॉर्म, द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। ओनली 10 एडर मेंबर हैविंग कॉमन इंटरेस्ट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म इट। जो फॉर्मेशन होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का वो काफ़ी सिंपल होता है, सिर्फ 10 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है और उनका जो कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी लीगल फॉर्मेलिटीज। जो रजिस्ट्रेशन का रूल्स एंड रेगुलेशन है वो काफ़ी सिंपल है और आपको ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज में करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओपन मेंबरशिप, एनी पर्सन हैविंग कॉमन इंटरेस्ट कैन बिकम द मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन। कोई भी जिसकी एक कॉमन इंटरेस्ट है वो इसका मेंबर बन सकता है। यहाँ पे कोई भी कास्ट वगैरह का कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है। इसके डिसएडवांटेज की अगर बात करी जाए तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेड कैपिटल। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म बाय द पीपल हु हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड देयर इज नो कंपल्सन टू कॉन्ट्रीब्यूट सम मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बिकम अ मेंबर। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है उनको जो लोग हैं जो उसको बनाते हैं उन्हें कुछ ना कुछ रिसोर्सेज लगाना पड़ता है, लेकिन कितना लगाना है, क्या लगाना है वो डिसाइड नहीं होता है। मिनिमम अमाउंट तो लगाना होता है। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट ऑल्सो डिस्करेज पीपल टू इन्वेस्ट मोर। सो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज फेस ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल ड्यू टू रेट ऑफ रिटर्न। और एक प्रिंसिपल भी है, कितना भी पैसा लगा लो आपको वोटिंग राइट तो एक ही मिलेगा, तो इससे जो लोग इसमें पैसा लगाते हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको कैपिटल की शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है क्योंकि उनको रिटर्न जो है वो लो मिलेगा।
इन एफिशियंट मैनेजमेंट द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज बाय इट्स मेंबर ओनली जनरली ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द मेंबर्स ओनली दीज मेंबर आर नॉट प्रोफेशनल एक्सपर्ट। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया जाता है वो मेंबर्स द्वारा की जा रही हैं, जितनी भी एक्टिविटी है वो कौन कर रहा है, मेंबर परफॉर्म कर रहा है, और ये जो मेंबर्स होते हैं वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स तो है नहीं, वो इनएक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। तो जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा सैलरी देना अफोर्ड नहीं करते प्रोफेशनल को और क्वालिफाइड पीपल को। लैक ऑफ सीक्रेसी इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन देर आर ओपन डिस्कशन इन द मीटिंग। भाई इसमें जो भी बात होती है वो ओपनली होती है मेंबर्स के बीच में, तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है अपनी सीक्रेसी मेंटेन करना, अपनी सीक्रेट ऑपरेशंस को मेंटेन करना जो सिर्फ हमारे तक रहे। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल एज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट वेरियस कंसेशन बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न देयर इज एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। भाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी सारे कंसेशन मिल जाते हैं गवर्नमेंट से, बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट से, उसके बदले में गवर्नमेंट का कुछ एक्सेसिव कंट्रोल होता है हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू। इट इज़ एसेंशियल फॉर ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड बाय द ऑडिटर ऑफ द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एंड टू सबमिट इट अकाउंट विद द रजिस्ट्रार। ज़रूरी होता है कि जो भी हमारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसे अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ते हैं ऑडिटर से, जो कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का होता है, यानी जहाँ पे हमारी बैलेंस शीट को चेक किया जाता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स क्वाइट ऑफन द डिस्प्यूट अराइज अमंग द मैनेजिंग कमेटी एंड मेंबर्स इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। भाई जाहिर सी बात है आपस में जो मतभेद होती है मैनेजिंग कमेटी और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बीच में, जो मेंबर्स होते हैं वो हर सेक्शन के हर सोसाइटी के अलग अलग होते हैं, उनके ओपिनियन उनकी राय अलग अलग होती है, तो उनका जो रिगिड एटीट्यूड होता है यानी कि एक बार जो कमिटमेंट मैंने कर दी तो उसके बाद तो मैं किसी की नहीं सुनता, तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होती है, डिस्प्यूट होता है। जनरली द सेल्फिश मोटिव ऑफ मेंबर स्टार्ट डोमिनेटिंग एंड दे फॉरगेट द सर्विस मोटिव। बेसिकली क्या होता है कि अपना फायदा किसमें हो रहा है उसी जो ध्यान देने लग जाते हैं। फिर है हमारा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारा जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किन किन टाइप्स की होती है। बेसिकली यहाँ पे 6 टाइप दे रखे हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर, मार्केटिंग, क्रेडिट, फार्मिंग और हाउसिंग। तो इसको हम करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो आपको आई होप अच्छी लगी होगी, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।